नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। जी हां दोस्तों, हाउ टू फाइल GST 9 पार्ट 2 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल नंबर 4, 5, 10 और 11। दोस्तों ऑलरेडी मैं GST 9 के ऊपर बेसिक्स वीडियो जो पार्ट 1 है उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर लगे आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधा GST 9 के टेबल पे, और यह है दोस्तों टेबल नंबर 4, 5 और यह है 10 और 11, और आज इसी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों टेबल नंबर 4, 5 क्या है? 4 पे है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल, और 5 है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल, और 10, 11 है डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप लोग एक एक चीज़ को एक एक टेबल को बड़ी ही ध्यान से देखेंगे और बड़ी ही डीपली समझ जाएंगे तो कोई भी चेंजेस आए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उस चेंज के साथ अपने आप को ठीक करने में। दोस्तों नोटिफिकेशन आते रहते हैं, रूल्स चेंज होते रहते हैं, पर अगर आपको पूरा का पूरा ज्ञान है, पूरा का पूरा नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको दोस्तों। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, क्योंकि इसके बाद में जो वीडियो लाऊंगा वो एग्जाम्पल लेके होगा। आज जो सीखेंगे हम लोग 4, 5, 10, 11 इसके ऊपर एक एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, सिंपल एग्जाम्पल फिर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब मैं कोई दूसरा वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं टेबल नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग टेबल नंबर 4 के अंदर आ गए हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को कौन सा आइटम फिल करना है। सबसे पहले टेबल नंबर 4A सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, ये क्या होता है दोस्तों? दोस्तों कोई सप्लाई कर रहे किसी कंज्यूमर को या फिर किसी अनरजिस्टर्ड पर्संस को तो वो तो यहाँ पे आएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किए है तो उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है सप्लाई में या फिर डेबिट नोट में या फिर क्रेडिट नोट में, उसका भी एडजस्टमेंट दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। फिर जो अमाउंट होगा वो हम इस कलम में डालेंगे दोस्तों। दोस्तों B2C दो तरह के होते हैं, एक लार्ज एक अदर देन लार्ज, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा पार्टी है जो कि B2C है, अनरजिस्टर्ड है, उसको हम इनवॉइस इशू किए हैं जिसका वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो वो लार्ज के अंडर में आता है, और अदर देन लार्ज मतलब जो 2.5 लाख से कम है। दोस्तों एक और बात, कभी कभी हम लोग सेल करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप सेल कर रहे हो और उसका एडवर्टाइज दे रहे हो आप अमेजन में, और अमेजन के थ्रू कोई सेल हुआ तो वो हो गया आपका सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर कोई ऐसा सप्लाई भी होता है तो भी वो यहाँ पे इंक्लूड होगा दोस्तों। तो फिर ये हो गया सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस B2C। अब दोस्तों आते हैं सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्संस B2B, ये क्या होता है? B2B मतलब हम सेल कर रहे हैं कोई ऐसे पार्टी को जो कि GST में उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम सप्लाई करते रहे थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वो यहाँ पे आएगा, मगर एक चीज़ नहीं आएगा दोस्तों। दोस्तों आप कोई आउटवर्ड सप्लाई किए मगर वो सप्लाई RCM के अंडर में आता है, मतलब उसका टैक्स आप पेड नहीं करते हैं, उसका टैक्स जो रिसिपिएंट है वो पेड करता है, दोस्तों वो यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ आएगा जिसका टैक्स आप पेड करते हो, वही सप्लाई यहाँ पे आएगा। और एक चीज़ दोस्तों, नॉर्मली कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अगर हम इशू करते हैं B2B पार्टी को, उसका डिटेल्स यहाँ पे नहीं आता है, और कोई अगर अमेंडमेंट होता है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे नहीं आता है, उसके लिए अलग से जगह है नीचे। ये देखिए दोस्तों, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट, सप्लाईज टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, इसके लिए अलग से जगह है, नॉर्मली हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। मगर दोस्त एक नोटिफिकेशन आया था, एक बार देख लेते नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 डेटेड ऑन 14 नवंबर 2019, फॉर फाइनेंशियल ईयर 17/18/18/19 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू फिल टेबल 4B टू टेबल 4E नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी इन रिपोर्टिंग सच डिटेल्स सेपरेटली इन दिस टेबल। और दोस्तों ये अमेंडमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है,
अगर आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट अलग से शो करने में कोई कोई तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप उसका एडजस्टमेंट करने के बाद आप डाल सकते हैं 4B में, फिर 4C, 4D, 4E में डाल सकते हैं। मतलब B2B में अभी आप एडजस्टमेंट करने के बाद डाल सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आया था। नॉर्मली जो पहले आया था उसमें आपको अलग से डालना पड़ता है। अगर आपके पास डेटा रेडी है, अगर आप शो कर सकते हैं तो अलग से डालिए, अगर आपके पास कोई दिक्कत हो रहा है आप एडजस्टमेंट करने के बाद डाल सकते हैं, डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया B2B। अब दोस्तों जीरो सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाइज टू सेज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिम्ड एक्सपोर्ट। ये दोस्तों क्या होता है? दोस्तों एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक एक्सपोर्ट टू सेज और एक्सपोर्ट अदर देन सेज। यहां पे दोस्तों दो तरह का सप्लाई करते हैं, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देके जिसमें कोई टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं और बाद में ITC जो भी है हम लोग वो रिफंड क्लेम कर लेते हैं, और एक अदर देन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं और बाद में उस टैक्स का रिफंड क्लेम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों वही सप्लाई आएगा जिसके लिए हम लोग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई नहीं किए हैं, चाहे वो नॉर्मल एक्सपोर्ट हो या फिर सप्लाइज टू सेज हो या फिर डिम्ड एक्सपोर्ट हो। दोस्तों डिम्ड एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट है मगर वो सेल हुआ है इंडिया के अंदर पर उसको एक्सपोर्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो, अगर वहां पे कोई रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई करते हैं तो उसे डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। दोस्तों दोस्तों इसके लिए कभी अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों फिर आते हैं यहाँ पे टेबल नंबर 4F में, एडवांसेस ऑन व्हिच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड नॉट कवर्ड अंडर A to E अबव। दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने एडवांस ले लिए और उसका टैक्स भी पेड कर लिए मगर इनवॉइस अभी तक इशू नहीं किए क्योंकि जो सप्लाई है, जो सर्विस है वो अभी तक आपने पूरा नहीं किए। तो उस फाइनेंशियल ईयर में, वो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, अगर उसमें कोई ऐसा चीज होता है, ऐसा कोई एडवांस है जिसका टैक्स टैक्स तो आप पेड कर दिए हो मगर इनवॉइस अभी तक इशू नहीं किए, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। फिर दोस्तों आते हैं इनवॉइस सप्लाइज ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। दोस्तों टेबल नंबर 4 ऐसा टेबल है जिसमें हम लोग वही चीज डालेंगे जिसके लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं, या तो डायरेक्ट सप्लाई करके या फिर कोई इनवर्ट सप्लाई ऐसा कुछ है जिस जो RCM के अंडर में आता है और जिसका टैक्स रिसिपिएंट पेड करते हैं यानी हम लोग पेड करेंगे, उसका डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे देना है। तो इनवर्ट सप्लाईज व्हिच ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, उसका डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे देना है। दोस्तों फिर दोस्तों आते हैं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और भी जो भी अमेंडमेंट है जिसके लिए टैक्स डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में ऑलरेडी पता चुका हूं। अगर आपके पास डेटा है, अगर आपके पास रिकॉर्ड है, डेटा है, तो आप उसको यहाँ पे फिल कीजिए। अगर कोई तकलीफ है आपको तो उसका एडजस्ट करके आप ऊपर लगे जो भी टेबल है 4B, 4C, 4D उसमें आप एडजस्ट करने के बाद डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टेबल नंबर 4। इसके बारे में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट में कीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं लाने वाला हूँ, एग्जाम्पल का वीडियो लाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आपको मेरा ये चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं और भी GST 9 को लेकर और भी काफी सारा चीज लाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी चलता हूँ टेबल नंबर 5 के पास। दोस्तों यह है टेबल नंबर 5, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल। मतलब ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई जिसके लिए हम लोग टैक्स पेड नहीं करते। इसमें कौन सा चीज आता है दोस्तों? जीरो रेट सप्लाई, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू सेल्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब इसके लिए हम लोग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई कर चुके थे इसलिए कोई टैक्स पेड नहीं किए, और जो भी ITC है वो हम लोग रिफंड क्लेम कर लेंगे। फिर दोस्तों सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, इसका मतलब हम लोग कोई ऐसा सप्लाई किया, आउटवर्ड सप्लाई किया है जो RCM के अंडर में आता है और जिसका टैक्स
पेड करते हैं कौन? रिसिपिएंट। हम लोग टैक्स पेड नहीं करते, जिसके लिए यहाँ पे दोस्तों वो सप्लाई को यहाँ पे हम लोग डालेंगे। फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील लेट सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, सब यहाँ पे दोस्तों अगर कुछ है तो हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे दोस्तों। दोस्तों एक बात, कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट हम लोग अगर इशू करते हैं इन सब सप्लाईज के अगेंस्ट में, तो इसके लिए अलग से जगह दिया हुआ है। कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है तो इसके लिए अलग से जगह दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट। मगर जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी बात कर चुका हूँ 56, वो इस टेबल के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपको कोई तकलीफ है दोस्तों, आप यहाँ पे उसको एडजस्ट करके डाल सकते हैं। मतलब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट कुछ भी हो, उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट होगा यहाँ पे डाल सकते हैं। पर अगर आपके पास डेटा रेडी है तो आप अलग से भी शो कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों ये था टेबल नंबर 5। अब दोस्तों चलेंगे हम लोग टेबल नंबर 10 और 11 की तरफ। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं टेबल नंबर 10 और 11 पे। तो ये देखिए यहाँ पे 10 में क्या है, सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ डेबिट नोट्स, सप्लाईज और टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स। ये क्या है दोस्तों? दोस्तों फॉर फाइनेंशियल 17-18 पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल 17-18 डिक्लेयर्ड इन रिटर्न बिटवीन अप्रैल 18 टू मार्च 19। दोस्तों अगर ऐसा है कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर का कोई सेल आप दिखा दिए 18-19 पे, या फिर 18-19 का कोई सेल आप दिखा दिए अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 तक, तो ध्यान दीजिए एक चीज, हम लोग किसके ऊपर टैक्स देंगे 18-19 फाइनेंशियल ईयर में, जो हमारा 18-19 का सप्लाई है। अगर 17-18 का कोई सप्लाई 18-19 में हम लोग इंक्लूड कर दिए, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर कोई 18-19 का सप्लाई हम लोग 19-20 में जाके दिखाए तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आएगा कि हमारे पास 18-19 का सप्लाई क्या है। वो डिटेल्स, वो यहाँ पे अमेंडमेंट हम लोग को यहाँ पे शो करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था टेबल नंबर 4, 5, 10 और 11। अब इसके ऊपर केस स्टडीज जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस किए, इसके ऊपर एग्जांपल लेके मैं आऊँगा अगले वीडियो में। एक दो वीडियो उसके लिए मैं बनाऊँगा, फिर जाऊँगा हम लोग ITC की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मैं क्लियर पिक्चर दे दिया कि 4, 5, 10 और 11 में क्या क्या चीज़ हम लोगों को डालना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं GST 9 को लेके एक बहुत ही बड़ा सीरीज लाने वाला हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।